नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आयकर विभाग की टीम ने हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई के ठिकानों पर छापेमारी की है। आज सुबह करीब 7:30 बजे आयकर विभाग की टीम ने बिश्नोई के हिसार में सेक्टर 15 स्थित आवास, गुड़गांव और आदमपुर मंडी स्थित दुकान पर पहुंची। मंडी में उनकी आड़त की दुकान भी है। इसके साथ ही आदमपुर में उनकी कोठी और गुरुग्राम में भी उनके आवास पर छापा मारा गया है। उनकी कोठी को पुलिस ने अपने घेरे में लगा रखा है और आयकर विभाग की टीमें अंदर से छापेमारी में जुटी हुई हैं। इस वक्त कुलदीप बिश्नोई के 6 ठिकानों पर रेड चल रही है। उनके गुरुग्राम, हिसार, आदमपुर और दिल्ली समेत 6 जगहों पर ठिकानों के इनकम टैक्स के विभाग के अधिकारियों की छापेमारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग के अधिकारियों को कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। यहाँ कुलदीप बिश्नोई की कोठी के बाहर पुलिस तैनात है और अंदर गेट बंद कर लिया गया है। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की भी मकान के अंदर बंद होने की सूचना आ रही है। परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल बंद कर लिए गए हैं। भव्य बिश्नोई व अन्य परिजनों से जब संपर्क करने की कोशिश की तो सभी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिले। टीम कितनी देर छापेमारी करेगी और सर्च ऑपरेशन में क्या निकलता है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि टीम द्वारा छापेमारी करने की सूचना परिवार के किसी भी सदस्य को पहले नहीं थी और एकदम से टीम पहुंची है। बताया जाता है कि आज भव्य बिश्नोई का कई जगहों पर दौरा था। वह बीते एक सप्ताह से लोगों के बीच जाकर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंगलवार की सुबह वह जब दौरे पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तभी आयकर विभाग की टीम पहुंच गई। टीम ने भव्य को जांच चलाने तक कहीं बाहर जाने से मना कर दिया। कुलदीप बिश्नोई की पत्नी एवं हांसी से विधायक रेणुका बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि छापामार कार्रवाई से ना घबराए कार्यकर्ता, स्वच्छ राजनीति की है और करते रहेंगे। वहीं स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कुलदीप बिश्नोई के घर जमावड़ा लगा रहा। मीडिया कर्मी भी कुलदीप बिश्नोई के आवास के सामने डटे हुए हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग की कार्यवाही अभी भी जारी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।